मैं समझता हूँ कि मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो शर्मा जी चर्चा कर रहे थे कि हॉस्पिटल में दुखी ही लोग आते हैं, और हॉस्पिटल में आते हैं सरकारी हॉस्पिटल में गरीब तबका ज़्यादा आता है, इसके पास धन की व्यवस्था है, पैसा है, तो कहीं भी प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपनी सुख सुविधाएँ हासिल कर लेता है, तब तो एक गाँव का आदमी जो है इसकी उम्मीद जो है वो सरकारी हॉस्पिटल होती है। तो यहाँ हम लोग अगर कोशिश करें कि अच्छी सुविधाएं दें, जैसे कि आपने यहाँ पर प्रपोजल रखी है कि जितने भी वार्ड हैं उनमें एयर कंडीशन मौसम के हिसाब से ठंड मतलब एसी भी और उसका जो है हॉट भी, वो ऐसी व्यवस्था होगी तो स्वाभाविक है कि पेशेंट अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा। कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो हमारी हॉस्पिटल के साथ की जरूरत है वो उनको पूरा करें, परंतु तो उसके साथ साथ प्राथमिकता हमारी जो है वो तो यहाँ के पेशेंट के प्रति रहनी चाहिए, उनसे कहने से प्रति रहनी चाहिए। और दूसरा, ये जो सिविल हॉस्पिटल है आपका, इसके सुजानपुर के सिविल हॉस्पिटल के ऊपर जो है, सुजानपुर चुनाव क्षेत्र के अलावा आपका कांगड़ा और यहाँ पर सुधोल साइड से पेशेंट आता है, तो इसलिए प्रेशर रहता है, मैं समझ सकता हूँ। पर ऑपरेशन जो है स्टाफ की तरफ से वो पूरा होना चाहिए, कई बार शिकायतें आती हैं ऑपरेशन नहीं मिलता है, और ज़्यादातर लोग यही अक्सर बात करते हैं कि रेफरल जो है, रेफरल हर केस को रेफर किया जाता है। तो यहाँ जितने भी डॉक्टर तैनात हैं, स्टाफ तैनात हैं, कोशिश करें कि वो अगर प्रॉब्लम छोटी है और आप हल कर सकते हैं तो उसको हल करने की कोशिश करें। जैसे कि अभी उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ रेडियोग्राफर हफ्ते में दो दिन आता था, उसकी कंसेशन में बात करता हूँ, जरूरत पड़ी तो विधानसभा में इस मसले को उठाऊंगा। और जिस तरीके से और भी इन्होंने प्रपोजल्स दी हुई हैं, तो ठीक है, पिछली बार किन्हीं कारणों से डॉक्टर राजकुमार जी बता रहे हैं कि किन्हीं कारणों से पैसा खर्च नहीं हो पाया, परंतु अपनी बैठक जो हो उससे पहले पहले मुझे लग रहा है कि आप इंतज़ार ना करें, आप जहाँ से भी सरकारी जो कानून कायदे हैं उनके दायरे में रहकर जो भी परचेज करनी है, काम कराना है, उसके अपनी लिमिटेशन में करवा के उसको मुकम्मल करवाएं। और एक इतना पैसा 70-80 लाख रुपये आप खर्च करने जा रहे हैं, तो इसका दिखना भी चाहिए कि हॉस्पिटल में कोई कायाकल्प हुई है, कुछ अच्छी सुविधाएँ मिली हैं, तो ऐसा होना चाहिए। तो मिलकर ये आप लोगों को सेवा करने का ईश्वर ने मौका दिया है। और जब पेशेंट आता है और मुसीबत में होता है तो डॉक्टर ही भगवान का दूसरा रूप नजर आता है, तो इसलिए अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिली है तो उसको जो है वो आप लोगों को सेवा भाव से करना चाहिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।